श्री विष्णु पुराण चौथा अध्याय सगर सौदास खड़वांग और भगवान श्री राम के चरित्र का वर्णन। श्री पराशर जी बोले, काश्यप सुता सुमति और विदर्भराज कन्या केशनी ये राजा सगर की दो स्त्रियां थीं। उनसे संतानों उत्पत्ति के लिए परम समाधि द्वारा आराधना किए जाने पर भगवान औरव ने यह वर दिया। एक से वंश की वृद्धि करने वाला एक पुत्र तथा दूसरी से 60,000 पुत्र उत्पन्न होंगे। इनसे जिसको जो अभिष्ट हो वह इच्छा पूर्वक उसी को ग्रहण कर सकती है। उनके ऐसा कहने पर केशिनी ने एक तथा सुमति ने 60,000 पुत्रों का वर मांगा। महर्षि के तथा अस्तु कहने पर कुछ ही दिनों में केशिनी ने वंश को बढ़ाने वाले असमंजस नामक एक पुत्र को जन्म दिया और काश्यप कुमारी सुमति से 60,000 पुत्र उत्पन्न हुए। राजकुमार असमंजस के अंशुमान नामक पुत्र हुआ। यह असमंजस बाल अवस्था से ही बड़ा दुराचारी था। पिता ने सोचा कि बाल्यावस्था के बीत जाने पर यह बहुत समझदार होगा, किंतु यौवन के बीत जाने पर भी जब उसका आचरण ना सुधरा तो पिता ने उसे त्याग दिया। उनके 60,000 पुत्रों ने भी असमंजस के चरित्र का ही अनुकरण किया। तब असमंजस के चरित्र का अनुकरण करने वाले उन सगर पुत्रों द्वारा संसार में यज्ञ आदि सन्मार्ग का उच्छेद हो जाने पर सकल विद्या निधान अशेष दोषहीन भगवान पुरुषोत्तम के अंशभूत श्री कपिल देव से देवताओं ने प्रणाम करने के अनंतर उनके विषय में कहा, भगवान राजा सगर के ये सभी पुत्र असमंजस के चरित्र का ही अनुसरण कर रहे हैं। इन सब के असन मार्ग में प्रवृत्त रहने से संसार की क्या दशा होगी? प्रभो, संसार में दीन जनों की रक्षा के लिए ही आपने यह शरीर ग्रहण किया है, अतः इस घोर आपत्ति से संसार की रक्षा कीजिए। यह सुनकर भगवान कपिल ने कहा, यह सब थोड़े ही दिनों में नष्ट हो जाएंगे। इसी समय सगर ने अश्वमेध यज्ञ आरंभ किया। उसमें उनके पुत्रों द्वारा सुरक्षित घोड़ों को कोई व्यक्ति चुरा कर पृथ्वी में घुस गया। तब उन घोड़ों के खुरों के चिन्हों का अनुसरण करते हुए उनके पुत्रों में से प्रत्येक ने एक एक योजन पृथ्वी खोद डाली तथा पाताल लोक में पहुंचकर उन राजकुमारों ने अपने घोड़ों को फिरता हुआ देखा। पास ही में मेघावरणहीन शरत काल के सूर्य के समान अपने तेज से संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित करते हुए घोड़ों को चुराने वाले परम ऋषि कपिल को सिर झुकाए बैठे देखा। तब तो वे दुरात्मा अपने अस्त्र शस्त्रों को उठाकर यही हमारा अपकारी और यज्ञ में विघ्न डालने वाला है, इन घोड़ों को चुराने वाले को मारो मारो ऐसा चिल्लाते हुए उनकी ओर दौड़े। तब भगवान कपिल देव के कुछ आंख बदल कर देखते ही वे सब अपने ही शरीर से उत्पन्न हुए अग्नि में जलकर भस्म हो गए। महाराज सगर को जब मालूम हुआ कि घोड़ों का अनुसरण करने वाले उनके समस्त पुत्र महर्षि कपिल के तेज से दग्ध हो गए हैं, तो उन्होंने असमंजस के पुत्र अंशुमान को घोड़ा ले आने के लिए नियुक्त किया। वह सगर पुत्रों द्वारा खोदे हुए मार्ग से कपिल जी के पास पहुंचा और भक्ति विनर्म होकर उनकी स्तुति की। तब भगवान कपिल ने उनसे कहा, पुत्र जा, इस घोड़े को ले जाकर अपने दादा को दे दे और तेरी जो इच्छा हो वही वर मांग ले। तेरा पुत्र गंगा जी को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाएगा। इस पर अंशुमान ने यही कहा कि मुझे ऐसा वर दीजिए जो ब्रह्म दंड से आहत होकर मरे हुए मेरे असवर्गीय पितृगण को स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला हो। यह सुनकर भगवान ने कहा, मैं तुमसे पहले ही कह चुका हूँ कि तुम्हारा पुत्र गंगा माता को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाएगा। उनके जल से इनकी अस्थियों की भस्म का स्पर्श होते ही ये सब स्वर्ग को चले जाएंगे। भगवान विष्णु के चरण नख से निकले हुए उस जल का ऐसा महत्त्वमय है कि वह कामना पूर्वक केवल स्नान आदि कार्यों में ही उपयोगी हो, सो नहीं
अपितु बिना कामना के मृतक पुरुष के अस्थि चर्म स्नायु अथवा केश आदि का स्पर्श हो जाने से या उसके शरीर का कोई अंग गिरने से भी वह देहधारी को तुरंत स्वर्ग में ले जाता है। भगवान कपिल के ऐसा कहने पर वह उन्हें प्रणाम कर घोड़ों को साथ लेकर अपने पितामह की यज्ञशाला में आया। राजा सगर ने भी घोड़ों के मिल जाने पर अपना यज्ञ समाप्त किया और अपने पुत्रों के खोदे हुए सागर को ही अपत्य स्नेह से अपना पुत्र माना। उस अंशुमान के दिलीप नामक पुत्र हुआ और दिलीप के भगीरथ हुआ, जिसने माता गंगा जी को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाकर उनका नाम भागीरथी कर दिया। भगीरथ से सुहत्र, सुहत्र से श्रुति, श्रुति से नाभाग, नाभाग से अम्बरीश, अम्बरीश से सिंधुद्वीप, सिंधुद्वीप से अयुतायु और अयुतायु से ऋतुपर्ण नामक पुत्र हुआ, जो राजा नल का सहायक और धूत क्रीड़ा का पारदर्शी था। ऋतुपर्ण का पुत्र सर्वकाम था, उसका सुदास और सुदास का पुत्र सौदास मित्र सह हुआ। एक दिन मृगया के लिए वन में घूमते घूमते उसने दो व्याघ्र देखे। इन्होंने संपूर्ण वन को मृगहीन कर दिया, ऐसा समझकर उसने उनमें से एक को बाण से मार डाला। मरते समय वह अति भयंकर रूप क्रूर वदन राक्षस हो गया तथा दूसरा भी मैं इसका बदला लूंगा ऐसा कहकर अंतर्ध्यान हो गया। कालांतर में सौदास ने एक यज्ञ किया। यज्ञ समाप्त हो जाने पर जब आचार्य वशिष्ठ बाहर चले आए तब वह राक्षस वशिष्ठ जी का रूप बनाकर बोला, यज्ञ के पूर्ण होने पर मुझे नर मांस युक्त भोजन कराना चाहिए, अतः तुम ऐसा अन्न तैयार कराओ, मैं अभी आता हूँ। ऐसा कहकर वह बाहर चला गया। फिर रसोइयों का वेश बनाकर राजा की आज्ञा से उसने मनुष्य का मांस पकाकर उसे निवेदन किया। राजा भी उसे सुवर्ण पात्र में रखकर वशिष्ठ जी के आने की प्रतीक्षा करने लगा और उनके आते ही वह मांस निवेदन किया। वशिष्ठ जी ने सोचा, अहो इस राजा की कुटिलता तो देखो, यह जानबूझकर भी मुझे खाने के लिए यह मांस देता है। फिर यह जानने के लिए कि यह किसका है वे ध्यानस्थ हो गए। ध्यान अवस्था में उन्होंने देखा कि वह तो नरमांस है। तब तो क्रोध के कारण शुद्ध चित होकर उन्होंने राजा को यह शाप दे दिया, क्योंकि तूने जानबूझकर भी हमारे जैसे तपस्वियों के लिए अत्यंत अभक्ष्य यह नरमांस मुझे खाने को दिया है, इसीलिए तेरी इसी में लोलुपता होगी, अर्थात तू राक्षस हो जाएगा। तदंतर राजा के यह कहने पर कि भगवान आपने ही ऐसी आज्ञा की थी, वशिष्ठ जी यह कहते हुए कि क्या मैंने ही ऐसा कहा था, फिर समाधिस्थ हो गए। समाधि द्वारा यथार्थ बात जानकर उन्होंने राजा पर अनुग्रह करते हुए कहा, तू अधिक दिन नरमांस भोजन ना करेगा, केवल 12 वर्ष ही तुझे ऐसा करना पड़ेगा। वशिष्ठ जी के ऐसा कहने पर राजा सौदास भी अपनी अंजलि में जल लेकर मुनीश्वर को शाप देने के लिए उद्गत हुआ, किंतु अपनी पत्नी मद्यंती द्वारा भगवान ये हमारे कुल गुरु हैं, इन कुलदेव रूप आचार्य को शाप देना उचित नहीं, ऐसा कहे जाने से शांत हो गया तथा अन्न और मेघ की रक्षा के कारण उस शाप जल को पृथ्वी या आकाश में नहीं फेंका, बल्कि उसने अपने पैरों को ही भिगो लिया। उस क्रोध युक्त जल से उनके पैर झुलस कर कलमाश वर्ण अर्थात चितकबरे हो गए, तभी से उनका नाम कलमाशपाद हुआ तथा वशिष्ठ जी के शाप के प्रभाव से छठे काल में अर्थात तीसरे दिन के अंतिम भाग में वह राक्षस स्वभाव धारण कर वन में घूमते हुए अनेकों मनुष्यों को खाने लगा। एक दिन उसने एक मुनीश्वर को ऋतु काल के समय अपनी भार्या से संगम करते देखा। उस अति भीषण राक्षस रूप को देखकर भय से भागते हुए उन दंपतियों में से उसने ब्राह्मण को पकड़ लिया। तब ब्राह्मणी ने उससे नाना प्रकार से प्रार्थना की और कहा, हे राजन प्रसन्न होइए, आप राक्षस नहीं हैं बल्कि
इश्वाकुकुल तिलक महाराज मित्र सह हैं। आप स्त्री संयोग के सुख को जानने वाले हैं। मैं अतृप्त हूँ, मेरे पति को मारना आपको उचित नहीं है। इस प्रकार उसके नाना प्रकार से विलाप करने पर भी उसने उस ब्राह्मण को इस प्रकार भक्षण कर लिया जैसे बाघ अपने अभिमत पशु को वन में पकड़कर खा जाता है। तब ब्राह्मणी ने अत्यंत क्रोधित होकर राजा को शाप दिया, अरे तूने मेरे अतृप्त रहते हुए भी इस प्रकार मेरे पति को खा लिया, इसीलिए कामोपभोग में प्रवृत्त होते ही तेरा अंत हो जाएगा। इस प्रकार शाप देकर वह अग्नि में प्रविष्ट हो गई। तदंतर 12 वर्ष के अंत में शाप मुक्त हो जाने पर एक दिन विषय कामना में प्रवृत्त होने पर रानी मद्यंती ने उसे ब्राह्मणी के शाप का स्मरण करा दिया। तभी से राजा ने स्त्री संभोग त्याग दिया। पीछे पुत्रहीन राजा की प्रार्थना करने पर वशिष्ठ जी ने मद्यंती के गर्भाधान किया। जब उस गर्भ ने 7 वर्ष व्यतीत होने पर भी जन्म नहीं लिया तो देवी मद्यंती ने उस पर पत्थर से प्रहार किया। इससे उसी समय पुत्र उत्पन्न हुआ और उसका नाम अश्मक हुआ। अश्मक के मूलक नामक पुत्र हुआ। जब भगवान परशुराम जी द्वारा यह पृथ्वी तल क्षत्रियहीन किया जा रहा था उस समय उस मूलक की रक्षा वस्त्रहीना स्त्रियों ने घेर कर की थी। इससे उसे नारी कवच भी कहते हैं। मूलक के दशरथ, दशरथ के इलेविल, इलेविल के विश्वसह और विश्वसह के खड़वांग नामक पुत्र हुआ जिसने देवासुर संग्राम में देवताओं की प्रार्थना करने पर दैत्यों का वध किया था। इस प्रकार स्वर्ग में देवताओं का प्रिय करने से उनके द्वारा वर मांगने के लिए प्रेरित किए जाने पर उसने कहा, यदि मुझे वर ग्रहण करना ही पड़ेगा तो आप लोग मेरी आयु बतलाइए। तब देवताओं के यह कहने पर कि तुम्हारी आयु केवल एक मुहूर्त और रही है, वह देवताओं के दिए हुए एक अनवरुद्ध गति विमान पर बैठकर बड़ी शीघ्रता से मृत्यु लोक में आया और कहने लगा, यदि मुझे ब्राह्मणों की अपेक्षा कभी अपना आत्मा भी प्रियतर नहीं हुआ, यदि मैंने कभी स्वधर्म का उल्लंघन नहीं किया और संपूर्ण देव मनुष्य पशु पक्षी और वृक्ष आदि में श्री अच्युत के अतिरिक्त मेरी अन्य दृष्टि नहीं हुई तो मैं निर्विघ्नता पूर्वक उन मुनि जन वंदित प्रभु को प्राप्त हूँ। ऐसा कहते हुए राजा खड़वांग ने संपूर्ण देवताओं के गुरु अकथनीय स्वरूप सत्ता मात्र शरीर परमात्मा भगवान वासुदेव में अपना चित लगा दिया और उन्हीं में लीन हो गए। इस विषय में भी पूर्व काल में सप्त ऋषियों द्वारा कहा हुआ श्लोक सुना जाता है। उसमें कहा गया है, खड़वांग के समान पृथ्वी तल में अन्य कोई भी राजा नहीं होगा जिसने एक मुहूर्त मात्र जीवन के रहते ही स्वर्ग लोक से भूमंडल में आकर अपनी बुद्धि द्वारा तीनों लोकों को सत्य स्वरूप भगवान वासुदेव मय देखा। खड़वांग से दीर्घबाहु नामक पुत्र हुआ। दीर्घबाहु से रघु, रघु से अज और अज से दशरथ ने जन्म लिया। दशरथ जी के भगवान कमलनाभ जगत की स्थिति के लिए अपने अंशों से श्री राम, श्री लक्ष्मण, श्री भरत और श्री शत्रुघ्न इन 4 रूपों से पुत्र भाव को प्राप्त हुए। श्री राम जी ने बाल्यावस्था में ही विश्वामित्र जी की यज्ञ की रक्षा के लिए जाते हुए मार्ग में ही ताड़का राक्षसी को मारा। फिर यज्ञशाला में पहुंचकर मारीचि को बाण रूपी वायु से आहत कर समुद्र में फेंक दिया और सुबाहु आदि राक्षसों को नष्ट कर डाला। उन्होंने अपने दर्शन मात्र से अहिल्या को निष्पाप किया। जनक जी के राजभवन में बिना श्रम ही महादेव जी का धनुष तोड़ा और पुरुषार्थ से ही प्राप्त होने वाली अयोनिजा जनक राजनंदनी श्रीमा सीता जी को पत्नी रूप से प्राप्त किया और तदंतर संपूर्ण क्षत्रियों को नष्ट करने वाले समस्त हय कुल के लिए अग्नि स्वरूप भगवान परशुराम जी के बल वीर्य का गर्व नष्ट किया। फिर पिता के वचन से राज्य लक्ष्मी को कुछ भी ना गिनकर भाई लक्ष्मण और धर्मपत्नी सहित
सीता जी के सहित वन में चले गए। वहां विराध, खर, दूषण आदि राक्षस तथा कबंध और वाली का वध किया और समुद्र का पुल बांधकर संपूर्ण राक्षस कुल का विध्वंस किया तथा रावण द्वारा हरी हुई और उसके वध से कलंक हीना होने पर भी अग्नि प्रवेश से शुद्ध हुई समस्त देवगणों से प्रशंसित स्वभाव वाली अपनी भार्या जनक राज कन्या सीता जी को अयोध्या में ले आए। हे मैत्रेय, उस समय उनके राज्याभिषेक जैसा मंगल हुआ उसका तो 100 वर्ष में भी वर्णन नहीं किया जा सकता। तथापि संक्षेप से सुनो। दशरथ नंदन श्री राम जी, प्रसन्न वदन लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, विभीषण, सुग्रीव, अंगद, जामवान और हनुमान आदि से छत्र चामर आदि द्वारा सेवित हो ब्रह्मा, इंद्र, अग्नि, यम, नेत्रति, वरुण, वायु, कुबेर और ईशान आदि संपूर्ण देवगण, वशिष्ठ, वामदेव, वाल्मीकि, मार्कंडेय, विश्वामित्र, भरद्वाज और अगस्त्य आदि मुनिजन तथा त्रक, यजुः, साम और अथर्ववेदों से स्तुति किए जाते हुए तथा नृत्य, गीत, वाद्य आदि संपूर्ण मंगल सामग्रियों सहित वीणा, वेणु, मृदंग, भेरी, पटह, शंख, काहल और गोमुख आदि बाजों के घोष के साथ समस्त राजाओं के मध्य में संपूर्ण लोकों की रक्षा के लिए विधि पूर्वक अभिषिक्त हुए। इस प्रकार दशरथ कुमार कौशलाधिपति, रघुकुल तिलक, जानकी वल्लभ तीनों भ्राताओं के प्रिय श्री रामचंद्र जी ने सिंहासनारूढ़ होकर 11,000 वर्ष राज्य शासन किया। भरत जी ने भी गंधर्व लोक को जीतने के लिए जाकर युद्ध में 3 करोड़ गंधर्वों का वध किया और शत्रुघ्न जी ने भी अतुलित बलशाली महाप्राकर्मी मधुपुत्र लवण का संहार किया और मथुरा नामक नगर की स्थापना की। इस प्रकार अपने अतिशय बल पराकर्म से महान दुष्टों को नष्ट करने वाले भगवान राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न संपूर्ण जगत की यथोचित व्यवस्था करने के अनंतर फिर स्वर्गलोक को पधारे। उनके साथ ही जो अयोध्या निवासी उन भगवदंश स्वरूपों के अतिशय अनुरागी थे उन्होंने भी तन्मय होने के कारण सालोक्य मुक्ति प्राप्त की। दुष्ट दलन भगवान राम के कुश और लव नामक 2 पुत्र हुए। इसी प्रकार लक्ष्मण जी के अंगद और चंद्रकेतु, भरत जी के तक्ष और पुष्कल तथा शत्रुघ्न जी के सुबाहु और शूरसेन नामक पुत्र हुए। कुश के अतिथि, अतिथि के निषध, निषध के अनल, अनल के नभ, नभ के पुंडरीक, पुंडरीक के शेमधनवा, शेमधनवा के देवानिक, देवानिक के अहिनक, अहिनक के रुरु, रुरु के पारियात्रक, पारियात्रक के देवल, देवल के वच्चल, वच्चल के उतक, उतक के वज्रनाभ, वज्रनाभ के शंखण, शंखण के युषिताश्व और युषिताश्व के विश्वसह नामक पुत्र हुआ, विश्वसह के हृणयनाभ नामक पुत्र हुआ, जिसने जैमिनी जी के शिष्य महायोगेश्वर याज्ञवल्क्य जी से योग विद्या प्राप्त की थी। हृणयनाभ का पुत्र पुष्य था, उसका ध्रुवसंधि, ध्रुवसंधि का सुदर्शन, सुदर्शन का अग्निवर्ण, अग्निवर्ण का शिघ्रग तथा शिघ्रग का पुत्र मरु हुआ, जो इस समय भी योगाभ्यास में तत्पर हुआ कलाप ग्राम में स्थित है। आगामी युग में यह सूर्यवंशीय क्षत्रियो का प्रवर्तक होगा। मरुत का पुत्र प्रसुश्रुत, प्रसुश्रुत का सुसंधि, सुसंधि का अमर्श, अमर्श का सहस्वान, सहस्वान का विश्वभव तथा विश्वभव का पुत्र बृहद्वल हुआ, जिसको भारतीय युद्ध में अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु ने मारा था। इस प्रकार मैंने यह इक्ष्वाकु कुल के प्रधान प्रधान राजाओं का वर्णन किया। इनका चरित्र सुनने से मनुष्य सकल पापों से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के 4वें अंश में 4वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय श्री हरि।